भाई ये सच में जियो का लैपटॉप लॉन्च होने वाला है क्या? जियो लैपटॉप से जुड़ी जो बातें बता रहे हैं लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे, क्या वो सच हैं? तो गाइस वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप जानते होंगे कि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के साथ नहीं कहता। तो ये रहा प्रूफ गाइस, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हम इंडिया टुडे की वेबसाइट पे हैं और इंडिया टुडे जो है न्यूज़ वेबसाइट में लीडिंग एक वेबसाइट है और उसकी न्यूज़ की अगर हम माने तो जल्दी ही जियो का लैपटॉप जो है लॉन्च होने वाला है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, ये लैपटॉप कैसा होगा, इसकी कीमत क्या होगी, इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। सब में गाइज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये जो वेबसाइट है coupon-wish.in, अगर इस वेबसाइट की हम माने तो इसके हिसाब से इसकी जो डिस्प्ले है वो 13.3 इंच होने वाली है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रैम है वो 4GB है। तो मतलब अगर इसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो ये एवरेज से थोड़ी ऊपर परफॉर्मेंस देने वाला है और वेट जो है 1.2 kg, जो बहुत ही कम है अगर लैपटॉप के फील्ड में मानूँ तो। मेरे खुद का जो लैपटॉप है उसका वेट 2.5 kg, मतलब 2.5 किलो है, और उस हिसाब से 1.2 kg बहुत स्लिम और मतलब बहुत ही लो वेट होता है। बाद में की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है इसमें, जो 4G इनबिल्ट सिम आ रही है, मतलब आप लैपटॉप के अंदर ही 4G VoLTE, मतलब इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं आप और डाटा कनेक्टिविटी भी है, मतलब इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं बिना वाईफाई और बिना इंटरनेट कनेक्शन, जो लैन कनेक्शन होता है बिना उसके यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। और बाद बाकी जो भी मेजर स्पेसिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं गाइज, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, जियो लैपटॉप के प्राइस पे। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, आप खुद मुझे बताइए कि जियो सुन के आपके दिमाग में क्या प्राइस आता है, आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए गाइस इस लैपटॉप का, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और अब आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियोज आ रहे होंगे, आप इन्हें भी देख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा यार।